YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासुओं, सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, गोचर ग्रहों का प्रभाव आपको मैं दर्शाने जा रहा हूँ। दिनांक 29 से 5 दिसंबर के मध्य आने वाला सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और सूर्य विराजमान है कहाँ, धनु राशि पर। धनु राशि पर जब सूर्य जाएंगे तो आपकी जो राशि है, आपकी राशि सिंह से पंचम हो जाएंगे। पंचमे सूर्य क्या करेंगे, संतान बाधा, संतान को कष्ट, और जो माताएं बहन जो बहनें जो गर्भवती हैं उनके लिए खास सावधानी रखना है इस सप्ताह में, क्योंकि सूर्य आपके पांचवे हैं, ये गर्भ के ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है, गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है और औषधि का सेवन करते रहना है। ये सप्ताह आपके लिए गर्भ के लिए ठीक नहीं है। उसके पश्चात आपका जो है सो बुधदेव भी आपके पंचम हैं, तो पंचम बुधदेव क्या करा रहे हैं, व्यापार में लाभ दिला रहे हैं, व्यापार की सिद्धि दिला रहे हैं, जो बड़े जन हैं उनके लिए फायदेमंद की चीज़ है, और आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायक है। जो इस प्रकार से ट्रेडिंग का जो व्यवसाय कर रहे हैं, शेयर मार्केट का कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है। इस प्रकार का बुधदेव भी ठीक काम करा रहे हैं। और जो है सो आपके शुक्रदेव कहाँ हैं, आपकी राशि वृश्चिक राशि पे हैं, आपकी राशि से चौथे हैं, चतुर्थ स्थान पर है। शुक्र बहुत अच्छा काम कराते हैं, कर्म क्षेत्र में पिता के लिए लाभदायक हैं, कर्म क्षेत्र में लाभदायक हैं, और ख़ास करके कपड़े का व्यवसाय, कॉस्मेटिक का व्यवसाय अगर कर रहे हैं, या स्त्रियाँ जो कर्म क्षेत्र में लगी हुई हैं उनके लिए विशेष अच्छा सुखमय समय है। सुख साधन बनेंगे, वैवाहिक कार्य जुड़ सकता है, सुखमय साधना बनेगी, सुख साधक बनेंगे, बाधक नहीं रहेंगे। और आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा है, माता का सहयोग से आप बड़े बड़े कार्य आप कर सकती हैं। इस समय माता का सहयोग बड़े भरपूर आपको मिलने वाला है। इस तरह से शुक्रदेव कार्य कराने वाले हैं और मंगल देव इस समय मेष राशि पर चल रहे हैं, आपकी राशि से नौवें हैं। नौवें मंगल क्या कर रहे हैं, नौवें मंगल जो है भाग वृद्धि भाग में पहुंच गए हैं, तो भाग में पहुंच करके पराक्रम को देख रहे हैं, पराक्रम आपका बहुत तेज करेंगे, और साथ साथ में आपके व्यय को भी देख रहे हैं, तो व्यय यानी विशेष हानिकारक क्या है, आपका खर्च ज़्यादा होगा, अपव्यय करेंगे, आंखें बंद करके खर्च करेंगे। इस प्रकार से मंगल देव भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद राहु देव की स्थिति क्या रहेगी, राहु देव आपकी राशि से अभी राहु कर्क राशि पर चल रहे हैं, दसवें कर्म इष्टतम दसम स्थान पर जो सो राहु चलेंगे, दसवें राहु आपके कर्म क्षेत्र में कुछ व्यवधान डालने वाले हैं, कंफ्यूज बनाने वाले हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राहु जब कर्म स्थान पर जाता है तो कर्म में कंफ्यूज बनाते हैं और संदेह पैदा करते हैं, माता पिता के लिए हानिकारक होते हैं और माता के लिए भी हानिकारक। राहु शनि ये माता पिता के लिए विशेष कष्टदायक होते हैं, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपके दसम राहु हैं, इसका ध्यान राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए इस दसवां राहु सर्वोत्तम माना जाता है। राजनीति में प्रशंसा बनेगी, राजनीति में पदोन्नति होगी, राजनीति में जो कार्यरत हैं उनकी प्रशंसा होगी, कार्य अच्छा करेंगे, जिनके कर्मों से बहुत अच्छा आगे का भविष्य निर्माण होने का संदेह दे रहे हैं। इस प्रकार दसम राहु राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे उत्तम कर्म रहेगा, जो सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए। और उसके पश्चात शनिदेव क्या कर रहे हैं, शनिदेव मकर राशि पर चल रहे हैं, गुरुदेव भी मकर राशि पर चल रहे हैं, तो मकर राशि पर शनि क्या कर रहे हैं, आपकी राशि जो है सो सिंह है और सिंह राशि से आपके ये छठवें स्थान पर चल रहे हैं। छठ में शनि क्या करते हैं, छठवां रोग शत्रु झगड़े का घर होता है और मामा का घर होता है, कर्ज का घर होता है, तो अब ये शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है तो कर्ज मिट जाएगा, और जो आपका जो है सो कर्ज
रोग और शत्रु दोनों नष्ट होंगे, आपके शत्रु मित्रता का भाव ले लेंगे, और जो शत्रु हैं रोग जो है तो वो दवाई के द्वारा जो औषधि काम नहीं कर रही है तो एक सप्ताह में औषधि काम करने लगेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। तो इस प्रकार से छठ में शनि जो है सो अच्छा कार्य कराने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि से छठ में है। साथ साथ में आपके जो है सो अपव्यय कराने वाले हैं, अपव्यय ज़्यादा होगा, दवाइयों में खर्च होगा, अपव्यय खर्च होगा, व्यर्थ में खर्च होगा, किसी जो कोई पैसा ले जाए तो वापिस ना हो, उधारी आपको चुकाने का इस वो मैंने उधारी चुक सकती है, इस प्रकार से खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च व्यर्थ में ही होगा, सकारात्मक खर्च नहीं होगा। कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको अंट ठंड चीज को खरीदना है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना दिख रही है। साथ साथ में छोटे भाई बहन और पराक्रम यहाँ पर दृष्टि जा रही है, इसलिए इन स्थान पर भी हानि कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, सहयोग जो आप कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाएगी, और छोटे भाई बहनों के द्वारा कोई आपको सहयोग नहीं मिलेगा, उससे मनमुटाव हो सकता है। आपका जो परिश्रम है, जो परिश्रम लूज परिश्रम होगा, जहां आप परिश्रम कर रहे हैं वो सही लक्ष्य को छोड़ करके आप कर रहे हैं, जिसमें कार्य सिद्धि ना हो। परिश्रम तो आप कर रहे हैं, लेकिन बिजी विदाउट वर्क काम कुछ नहीं है, फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती, इस प्रकार की आपकी स्थिति रहेगी। मंगल देव क्या कर रहे हैं, आपकी मंगल देव इस समय जो है सो अभी अष्टमी चल रहे, नौवें भाग्य प्रदेश है, नौवें स्थान पर मंगल देव चल रहे हैं। अच्छा, अब उसके पश्चात गुरुदेव की स्थिति क्या है, गुरुदेव भी दशम है, दशम स्थान पर गुरुदेव नहीं, गुरुदेव भी आपके जो है सो छठ में है, छठ में गुरु होने के कारण रोग और शत्रुओं को जो है सो चिंता, रोग की शत्रुओं की चिंता बनी हुई है, और मामा की आप चिंता ज़्यादा करते हैं, और रोगों की आप चिंता करें, मेरे कोई रोग ना हो जाए, मुझको जो रोग है तो इसमें दवाई कहाँ से लाऊं, यानी रोग की चिंता ना हो। खान पान में आप विशेष वो करेंगे, जिसमें आप कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जिसमें कि कोई रोग हो जाए, और किसी से विवाद ना हो जाए, इसलिए उसकी चिंता आपको ज़्यादा रहेगी, तो रोग और झगड़े की आपको चिंता ज़्यादा रहेगी। और साथ साथ में यही जो है सो गुरुदेव के कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रशंसा का काम कराएंगे, कर्म क्षेत्र में जो है सो आपके पिता का स्वास्थ्य सुधारेंगे, पिता का स्वभाव सुधारेंगे, पिता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कर्म क्षेत्र जिनका छूट गया है वो इस सप्ताह में आपका कर्म से जुड़ जाएगा और प्रशंसनीय कार्य करेंगे। इस प्रकार से आपका गुरुदेव जो है सो बहुत अच्छा कार्य कराने वाले हैं। मंगल यात्रा में खर्च होगा, सही यात्रा में जहाँ तीर्थ यात्रा करना है, मंगल कार्य करना है, विवाह आदि है, उत्सव है, यज्ञोपवीत है, ये परिणय है, ये सब अच्छे कार्यों में आपका खर्च होगा, बड़े रूप में होगा खर्च। और धन संपत्ति को लेकर के तो बहुत ही अच्छा समाचार है, आपके कुटुंबीजन भरपूर सहयोग करने वाले हैं, कुटुंबीजनों के सहयोग से आपको आर्थिक उन्नति अच्छी होगी, जो विघटन चल रहा था वो एकाग्रता हो जाती है, इस प्रकार से आपका प्रेम मोहब्बत संबंध अच्छे बन सकते हैं परिजनों से। इस प्रकार का गुरुदेव भी अच्छा कार्य कराने वाले हैं। और इस प्रकार से राहुदेव आपके राशि से दशम स्थान पर चल रहे हैं, वो राहु अचानक जो है सो चिंता कारक बने हुए हैं, जो मैंने दर्शा दिया है आपको। अब चंद मंगल की स्थिति होगी, गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति क्या रहेगी और बुध की बताई, अब शुक्र की स्थिति क्या रहेगी, शुक्र और केतु आपके सिंह राशि, सिंह कन्या तुला और वृश्चिक चौथे हैं, तो इस समय चौथे स्थान पर केतु चल रहे हैं, चतुर्थ केतु माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, माता को कष्ट अचानक देने वाले हैं, गिरना पड़ना चोट लगना, इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, ये केतु स्थिति बनेगी। अब चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी, प्रथम 29 तारीख को जो चंद्रदेव हैं वो चंद्रदेव आप जो है सो यहाँ पर छठवें चंद्रमा चल रहे हैं, प्रथम दिन जो है सो आपके छठवां यानी आपकी राशि कर्क है, तो कर्क से चंद्रमा जो है सो दसवें चल रहे हैं, कर्क सिंह कन्या तुला, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन और मेघ दसवें चंद्रमा है,
प्रथम दिन आपके दसवें चंद्रमा है यानी 29 तारीख को दसवें कर्म ईप्सितम प्रशंसा के पात्र बनेंगे। जो भी आप करेंगे उसमें प्रशंसा लोग करेंगे, अच्छे कार्य करने में आपकी भलाई होगी और उसी में आपकी मास्टर माइंड भी हैं आप। और उसके बाद में 30 और 31 तारीख को ये चंद्रमा जो अभी जो है सो चंद्रमा जो कहाँ थे आपके चंद्रमा दसवें थे वो 11वें हो जाएंगे। यानी 30 और 31 तारीख को एकादशी सर्वलाभम सब प्रकार के लाभान्वित होने के लिए लाभ स्थान पर चंद्रमा आपका बहुत अच्छा फल देने वाले बनेंगे। चंद्रमा जब और इस प्रकार से 1 और 2 तारीख को चंद्रमा क्या होंगे एकादशी सर्वलाभम और उसके द्वादशी हानि रे बचो 12वें स्थान पर चंद्रमा जाएंगे उस समय हानि की स्थिति बनेगी। उस समय आपको थोड़ा सा खर्च आपका विशेष अपव्यय होगा और व्यवस्था हानि होने की संभावना दिख रही है। उसके पश्चात में 4 और 5 तारीख को यही चंद्रमा आपके आद्या चंद्र श्रिया का तो लक्ष्मी प्राप्ति का दिन है। लक्ष्मी जो हानि हुई है उसकी प्राप्ति हो जाएगी और आपका दिन शुभ और सुखमय रहेगा। मित्रों का मिलन होगा, आमोद प्रमोद में पूरा दिन बीतेगा। इस प्रकार से पूरा सप्ताह भरपूर मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हरिओम।